अनिल कपूर ने अपने बारे में, कैसे थे उनके बचपन के दिन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अनिल कपूर ने अपने परिवार के मुश्किल दिनों को याद किया। एक्टर ने बताया कि वो कैसे एक खोली में रहते थे और कैसे उन्होंने किशोर अवस्था में काम करना शुरू किया था। वो अपने पिता के बोझ को कुछ कम करना चाहते थे जो तब बीमारी से जूझ रहे थे। अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू में अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन का जिक्र किया। एक्टर ने बताया कि वो टीनेज लाइफ में ही काम करने लगे थे ताकि उनके बीमार पिता आराम कर सकें। अनिल फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के बेटे हैं और उनके दो भाई बोनी कपूर और संजय कपूर। अनिल कपूर ने बॉलीवुड बबल को बताया कि जब उन्हें अपने पिता की दिल की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने अजीब तरह के काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हमें पता चला कि उन्हें दिल की बीमारी है। उन दिनों दिल की बीमारी बहुत बड़ी बात होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट मोड़ था। मैंने कहा कि मुझे अब काम करना शुरू करना चाहिए और अपने पिता को आराम करने देना है। मैं 17 से 18 साल का था। जब अनिल से पूछा गया कि उन्होंने किस तरह के काम किए थे तो वो बोले, मैं उन्हें अजीब काम नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे वो काम करना पसंद था। मैंने एक्टर को जगाना, उन्हें एयरपोर्ट से लाना, उन्हें लोकेशन पर छोड़ना, उनकी देखभाल करना जैसे कई काम किए। मैंने इस तरह के सभी अजीबोगरीब काम किए। वो आगे बताते हैं, फिर मुझे शूट के लिए हाईवे की खरीदारी करनी थी, लोकेशन खोजने और उन्हें बुक करने जैसे काम दिए गए। फिर मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बना दिया गया। मैं हम 5 का कास्टिंग डायरेक्टर था। पहली बार मेरा नाम उन टाइटल्स में आया जहां कास्टिंग डायरेक्टर का जिक्र किया जाता है। इसके बाद मैंने एक्टिंग का कोर्स किया। मैं 1977 से 1982 तक कुछ रोल करे। मैंने तेलुगु फिल्में और कन्नड़ा फिल्में करी। फिर वो 7 दिन में मौका मिला। उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक दिक्कतों का भी जिक्र किया जिसकी वजह से उनके परिवार को पृथ्वीराज कपूर के गैराज में रहना पड़ा था। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मेरा वहां जन्म नहीं हुआ था, मेरे मम्मी पापा वहीं रहे। ये एक तरह का आउट हाउस था। वो चेंबूर में था और वहां से हम तिलक नगर चले आए और एक कमरे की छोटी सी खोली में रहने लगे। एक कमरे में लगभग 7-8 लोग रहते थे। बता दें, अब अनिल कपूर जल्द ही दोबारा नो एंट्री 2 में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं नो एंट्री के सीक्वल के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।